अरे बासुंदी, मैंने तुम्हारे चाय के पत्ती का ऑर्डर दे दिया है। जब तक तुम्हारी चाय की पत्ती नहीं आती, तुम्हारा ये पति तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगा। ओके, टेक केयर, बाय बासुंदी। जय हिंद सर। जय हिंद। और सब ठीक सर? एक मारामारी का केस है। संडे के दिन मारामारी? हाँ सर, क्या करे, जमाना बदल रहा है। चालू जी, पांडे जी, चालू जी, पांडे साहब, पांडे जी, जेठालाल, 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 इस पुलिस स्टेशन के परमानेंट मेंबर? आइए आइए। अरे जेठालाल। चालू जी। नमस्कार पांडे साहब। वैसे जेठालाल, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, पर मेहता साहब, आप यहाँ? समझ गया। अपने मित्र के सुख दुख और गुनाह के भागीदार बनने आए हो आप। वैसे आते नहीं है जेठालाल, आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो आपको सलाखों के पीछे आना पड़ा? सर, ये लोग वहाँ पे मारामारी कर रहे थे। अच्छा? नहीं नहीं, चालू जी, पांडे जी, हम पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हम तो खाली चाय पीने नुक्कड़ पे गए थे। हाँ हाँ। चाय पीने? क्यों, दया बहन ने चाय पिलाने से मना कर दिया जेठालाल? नहीं नहीं, वो क्या हुआ, दया सुबह सुबह अपनी मौसी के घर गई तो फिर और इस तरह हम दोनों वो गोला चाय की दुकान पे पहुंचे। हाँ पांडे साहब, ये दोनों लड़ रहे थे, ये दोनों मारामारी कर रहे थे, हम तो इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हमारा ये हाल हो गया, और मेरा तो मोबाइल भी तोड़ दिया सर इन्होंने। ओहो, और मेरा चप्पल टूट गया, ये देखिए। जेठालाल, कानून को उल्लू बना रहे हो? नहीं नहीं, मैंने आज तक ऐसे झगड़े छुड़ाने वाले को नहीं देखा जिसकी चप्पल टूटी हो। नहीं नहीं, हम सच बोल रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे। चलो जी, पांडे जी। हाँ पांडे साहब, हम लोग तो इंसानियत के नाते समझाना कहते हैं भाई साहब को कि जगह जगह से पान की पिक नहीं थूके। भारतीय जागरूक नागरिक और स्वच्छता अभियान के सेवक होने के नाते हम इनको समझा रहे थे कि भाई ऐसे कहीं भी करके पान की पिचकारी नहीं मारते। वाह जागरूक नागरिक। वैसे हमें साफ सफाई का ध्यान तो रखना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्यों भाई, तुम्हें रोड पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो पिचकारी मारते हुए जा रहे हो? साहब, इसने मेरे जूते पे पान की पिचकारी मारी है और ऊपर से झगड़ा कर रहा है। इसने? आपके इस अद्भुत कार्य के लिए हम आपका सम्मान करेंगे, वो भी इस डंडे से। यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरे साथ शपथ लेंगे। सब लोग अपना हाथ ऊपर कीजिए। अरे ऊपर मतलब ऐसे ऊपर, समझे सर? मैं भारत का जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक, मैं भारत का जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक, ये शपथ लेता हूँ, ये शपथ लेता हूँ कि मैं आज से कहीं पर भी कचरा न फेंकूंगा, कहीं पर भी न कचरा फेंकूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करूंगा, और हमेशा अपने आसपास साफ सफाई रखूंगा, और हमेशा अपने आसपास साफ सफाई रखूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो जी पांडे जी, अभी तो आपको पता चल गया कि हम निर्दोष है, बेकसूर है, तो अभी तो हमें बाहर निकालिए प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। शिंदे, इन तीनों को उस मोहल्ले के सड़क पर ले जाओ और साफ सफाई करवाओ जहां पर इन लोगों ने पिचकारी मारी है, और उस टाई वाले सज्जन को सम्मान के साथ बाहर निकालो। यस सर। थैंक यू सर। अरे हाँ, हम दोनों इनको भी छोड़ दो। चलो आ जाओ बाहर। चलो 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 जल्दी यार, ये चप्पल भी ना, ये टूट गया है ना उधर, खाली झप्पा झप्पे। नहीं मैं ऐसा, सॉरी। चाय के चाहने वालों आओ। चाय के चाहने वाले, ये चाय की चाहत ने तो आज आपके दर्शन करा दिए। मैं खड़े ही। हाँ तो बैठे, खाली है ना। बैठे बैठे बैठे। तो आपको एक जिंदगी का बहुत अच्छा फलसफा बताता हूँ। जी जी जी। अरे शिंदे, वो चाय का क्या हुआ? सर वो सालू के लेके आ रहा है आज। वो लगता है यहाँ चाय पीना को मिल जाएगी। बता सर, मिल जाएगी।
घर चल। लो आ गई चाय थैली में। एक काम करो, इनके लिए कप ले आओ। चम्मच चलेगा या ऐसे ही फाक मारोगे? अरे मेरी पत्नी बासुंदी ने चाय की पत्ती मंगवाई थी, वो है, रख दो यहाँ सालों के। मतलब हमारे नसीब में यहाँ पे भी चाय नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारे पुलिस स्टेशन में आप लोग आए और हम चाय ना पूछे। सालुंगे तीन जरा कटिंग अच्छे से लेके आओ, चीनी नहीं चलेगी ना? हाँ, बिल्कुल। नहीं मधुमेह तो नहीं है ना? नहीं नहीं बिल्कुल मधुमेह नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन मधु कौन? डायबिटीज। अच्छा ऐसा हिंदी में बोल रहे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की दया, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम फर्स्ट के बाद चीनी भी नहीं डालना, कड़क मीठी है। ए जेठालाल, वो पुलिस वाला है, कोई वेटर नहीं है जो ऐसे ऑर्डर दे रहे हो? मतलब चाय वाले को बोलना कड़क मीठी बनाए, मसाला वसाला डाल के एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया ऐसा। देखो मेरे लिए ना चाय में जरा मलाई मार के दे, ठीक है? थैंक यू तालू जी, लीजिए मेहता साहब। हाँ 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 धन्यवाद धन्यवाद। सॉरी चालू जी, आप थैंक यू भाई। भारतीय पुलिस का कोई मुकाबला नहीं। वाह 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 मेहता साहब, मेरी इच्छा थी मेहमान बन के प्यार भरे भाव के साथ चाय पीने की, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की। लेकिन कहाँ आके पूरी की, पुलिस स्टेशन में। वैसे एक बात है जेठालाल, यहाँ आके भी चाय हमें नुक्कड़ वाली मिली। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, खातिरदारी करना तो पुलिस का धर्म होता है, जैसा मेहमान वैसी खातिरदारी। थैंक यू। वाह जबरदस्त चाय है, मजा आ गया। मतलब इस चाय का स्वाद अमृत जैसा है। अच्छा कभी सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसा हो गया तो हमारे साथ मेहता साहब। नहीं एक कप चाय के चक्कर में क्या क्या हो गया। वैसे एक बात बताऊं जेठ साहब, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी एक चीज तो अच्छी हो ही गई। क्या? अरे भाई मुझे मेरा आर्टिकल के लिए एक सब्जेक्ट मिल गया, चाय की चाह में खड़े हैं राह में। अरे ये तो अच्छा है कि हमें चालू जी पांडे जी मिल गए, उनकी जगह कोई और इंस्पेक्टर होता तो हमें ये मारा मारी के केस में अंदर कर देता, फिर कोर्ट कचहरी और फिर वापस जेल में, और अखबार में भी होते, मस्त फोटो छपता हमारा। नहीं नहीं भगवान चालू जी पांडे जी का भला करे और उनको जीवन में हमेशा चाय मिलती रहे। पर हमें अभी एक रिक्शा मिल जाए। अरे हाँ भाई नहीं आ रहा, आ गया, बहुत बढ़िया। मैं तुम जैसे लुक्को को नहीं बैठा था। इसको बोला लुक्का, लेखक हूँ मैं, लेखक, और मैं एक चप्पल व्यापारी। खोखो नहीं बैठा था क्या? जमाना आ गया मेहता साहब, कपड़ों से लोगों की पहचान हो रही, ये हमारे ऐसे कपड़ों की वजह से आप जैसे महान लेखक और मुझ जैसे सफल व्यापारी को लुक्का समझ रहे हैं रिक्शा वाला। आ गया एक और रिक्शा। अरे हम लोग लुक्के नहीं है भाई, अब क्या करें मेहता साहब? पता नहीं जेठालाल, फोन भी तो टूट गया मेरा, और तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। हाँ अगर फोन होता तो घर से कम से कम नए कपड़े तो मंगा लेते। अभी कपड़े क्यों मंगा लेते जेठालाल, अगर फोन होता तो फोन करके किसी को बुला ही लेते ना, तो हमें ले जाता आके। हाँ वो भी है, कपड़े यहाँ बदलते भी कहाँ। तुम लोग अभी तक गए नहीं, रस्ते पे क्या लुक्खागिरी चल रही है? चालू जी पांडे जी आप भी? अभी मतलब? मतलब कोई रिक्शा वाला हमको अपने रिक्शे में बिठाने को तैयार नहीं है, हमारे ऐसे हाल देख के हमें लुक्का समझ रहे हैं। अच्छा जी चलो बैठ जाओ। फिर से पुलिस स्टेशन? अरे नहीं गोकुल धाम छोड़ूंगा, ये गाड़ी लुक्खों के लिए तो बनी है। जी पापू जी, वो मेरे कुसुम मासी और उनकी बेटी दीना है ना, आज गाँव जा रहे हैं तो उनको मिलने गई थी। बाबूजी वो टप्पू के पापा? पता नहीं बहू, जेठिया घर पे नहीं है, मैं मंदिर से आया तब से जेठिया घर पे नहीं। अरे टप्पू के पापा ने ऐसा नहीं किया, चाय भी नहीं पी बापू।
मुझे? हाँ वो मुझे कह रहा था कि चाय अभी ठंडी हो गई है तो ये पीने में मजा नहीं आएगा। और हाँ बहू, उसके सर में थोड़ा दर्द भी था। मैं उनको फोन करती हूँ। सर दर्द है तो घर पर आराम करने के बदले कहाँ चले गए? लो बापूजी, टप्पू के पापा फोन घर पर ही भूल गए हैं। कहाँ चला गया? कोई बात नहीं, मैं जरा बाहर किसी को पूछती हूँ। हाँ। हे भगवान, ये तारक अभी तक क्यों नहीं आए, कहाँ चले गए? भीड़े भाई? हाँ? भीड़े भाई, आपने तारक को कहीं देखा? हाँ, थोड़ी देर पहले मेहता साहब और जेठालाल मेरे घर पे आए थे, काफी तारीफ कर रहे थे मेरी। हाँ? कि घर आए थे? फिर चाय मांगी उन्होंने और नीम की चाय पत्ती खत्म हो गई थी आज। अच्छा, अब भीड़े भाई, आपके घर से निकलते वक्त वो लोग कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ बताया आपको? नहीं देवा भाभी। आती भाई, कोमल भाभी, रोशन के हाथ का फर्स्ट क्लास लंच बनते ही आपको मैं सिलेंडर वापस कर देता। पुलिस अपनी सोसाइटी में? पुलिस? क्यों हो गया? और पुलिस? अरे ओ गॉड, क्यों हो गया मेरे? पता नहीं, ये गैस का था। ओ माय गॉड, हमारे सोसाइटी में पुलिस? चलो नीचे चले के देखते हैं। इससे क्या हो गया होगा? पांडे जी यहाँ? क्या हुआ पांडे जी? वो पांडे जी क्यों हो गया? दसो यार, सुबह इस तरफ सब सब ठीक तो है ना पांडे जी? ऐसा अचानक यहाँ पे लगा क्या? पांडे जी दसो तो सही है, तुझे आए हो, कोई गल सब ठीक है? क्या मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली? यहाँ तो पूरी सोसाइटी मौजूद है, हमको लगा था चुपचाप घर पहुँच जाएंगे, ये तो अभी। तारक बताइए ना क्या हुआ, क्या बात है, कुछ बोलते कि नहीं? तारक बोलिए ना। हाँ, तुम दोनों की ऐसी हालत क्यों है? ओ ये फटे हाल तुम्हारे क्या पुलिस ने किए? अरे नहीं नहीं छोटे, इसमें पुलिस पर इल्जाम मत लगा भाई, उनका कोई कसूर नहीं है। हाँ, फिर ठीक है। तो फिर बताइए ना टप्पू के पापा, आपके कपड़े कैसे फटे? तारक कुछ तो बोलिए, लगता है किसी के साथ मारा मारी हो गई इनकी। चलिए चलिए क्लिनिक में चलिए, मैं चेक करता हूँ। हाँ, चलिए। अरे नहीं नहीं हाथी भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई चोट नहीं आई है भाई। नहीं है, लग तो रहा है। क्या किया क्या आप लोगों ने? हाँ पांडे जी बताइए ना, इन दोनों ने क्या किया है? हाँ। आप लोगों की किसी से हाथापाई हुई है क्या? अरे जयराल, अभी हाथापाई करोगे तो पुलिस तो पकड़ेगा ही ना। अरे भाई, किससे मारामारी कर लिया आप दोनों ने? जेठिया तू मारामारी कर लिया? नहीं बापू, अरे तू गुंडा कमसा बन गया। अरे सर दर्द है तो क्या सर भी बन जाएगा? अरे बोल। नहीं नहीं बापू जी, ऐसी बात नहीं है। ओए जेठा प्रा, कोई भी बात हो उसको जाने दो, मैंने बस ये बता दो कि तुम दोनों से किससे हाथ पाई, उन लोगों को तो मैं छड़ा नहीं। अरे अबे क्या है, जय डलाल का तो समझ में आता है, लेकिन मैं दादा आपने मारा मारी किया। ओ यार भाई, जेठालाल का समझे मतलब क्या, मैं क्या रोज मारा मारी करता हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि तुमको गुस्सा जल्दी आता ना, और मैं दादा क्या कूल पर्सन है इसलिए बोला। पांडे जी देखिए, इन्होंने जो भी किया होगा आप प्लीज भूल जाइए और इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। सही बात। अरे यार। हाँ पांडे बेटा, इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हाँ पांडे साहब, मैं भी सॉरी कहती हूँ, छोड़ दीजिए ना टप्पू के पापा को। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए पांडे जी प्लीज, इन्हें छोड़ दीजिए, तेरी आज कल में कभी भी शादी हो सकती है। अच्छा मिल गई लड़की? नहीं मतलब लड़की मिलते ही आज कल परसों नरसों कभी भी शादी हो सकती है ना, पर अगर मेरी शादी होगी तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आएगी, पर अगर ये दोनों जेल में होंगे तो मेरी शादी में कौन आएगा? अरे क्या बोल रहा है भाई, जेल में जेल की बात कर रहा है? बेवकूफ जैसी बात कर रहा है, आज के जेल में तो
प्लीज जरा आप लोग शांत हो जाइए, एक पुलिस वाला आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज जरा आप लोग शांत हो जाइए। पांडे जी वहाँ पे गैस का सिलेंडर है, गलती से खोल लगी तो ब्लास्ट हो जाएगा। लेके आ तुम्हें आप लोग बाहर आ जाइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बंदूक से गोली नहीं चलाई है, मुंह से गोली चलाई है। और ऐसे भी मैं बेकार में गोली नहीं चला सकता क्योंकि मुझे हर गोली का सरकार को हिसाब देना पड़ता है। प्लीज आ जाइए, पुलिस को बदनाम मत कीजिए, प्लीज आ जाइए, प्लीज बाहर आ जाइए, प्लीज कॉपरेट द मुंबई पुलिस, आ जाइए। देखिए मैंने बंदूक से ऐसे आवाज निकाली थी। पांडे जी आपको तो इंस्पेक्टर के साथ एक्टर होना चाहिए, सबको डरा के रख दिया आपने यार। अरे मैंने इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है, इन लोगों को यहाँ छोड़ने आया हूँ। पुलिस गिरफ्तार करे तो भी तकलीफ और छोड़ने आए तो भी तकलीफ, समझ में नहीं आता कि पुलिस वाला करे तो क्या करे। लगता है आप लोग पुलिस वाले को समझ ही नहीं पाए हो। अरे पुलिस वाले को दिखकर आप लोग टेंशन में क्यों आ जाते हो? अरे पुलिस जनता को टेंशन देने के लिए नहीं बनी है, जनता का टेंशन दूर करने के लिए बनी है। पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ चालू जी, पांडे जी मुझे और मेहता सबको यहाँ छोड़ने आए हैं। छोड़ने आए क्यों? क्यों क्या मतलब क्या? तू क्या चाहती है, वो हमें हिरासत में रखे? अरे नहीं नहीं, आप यहाँ आए उसका आनंद है, पर क्या है पुलिस हमें सब पकड़ने के लिए आती है ना, छोड़ने के लिए नहीं आती। इसलिए पूछा कि छोड़ने के लिए आए क्यों ऐसा। और एक दूसरा प्रश्न ये भी है कि ये लोग आपको कैसे किस हालत में मिले कि पुलिस को यहाँ तक छोड़ने के लिए आना पड़ा? हाँ तारक प्लीज बताइए ना, ऐसा क्या हुआ कि आपका ऐसा हाल हो गया? हाँ मैं तो जीजा, क्या हुआ के तुम दोनों के कपड़े कैसे फट गए? अरे बताते क्यों नहीं हो तुम लोग, जीजा बोल। बापूजी जीप से उतरे तब से हमारी जीप फड़फड़ा रही है बताने के लिए, लेकिन कोई हमें बताने ही नहीं दे रहा है। ए सुनो, अब कोई नहीं फड़फड़ाएगा, मतलब अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ जीजा बोलेगा। बोल जीजा। हाँ थैंक यू बापूजी। हाँ बोल बोल। तो एक कप चाय की वजह से आपका ऐसा हाल हुआ? एक्चुअली सॉरी, अगर मैंने आपको सुबह सुबह चाय बनाकर दे दी होती तो आपकी एटलीस्ट ऐसी हालत तो नहीं होती। बगा बगा कहा है? अगर आप चाय पत्ती लाना नहीं भूलते ना तो बेचारे जेठा भाई और मेहता साहब का ये हाल नहीं होता। बराबर है। सॉरी सॉरी जेठा मेहता साहब, वेरी सॉरी, अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं चाय पत्ती लेकर आया हूँ, अभी आप प्लीज चलिए चाय पीने के लिए, आइए। हाँ आइए ना आइए। ओए जेठा भैया देखो सिलेंडर लेके आ गया हूँ, फर्स्ट क्लास, अभी रोजेंगे आके फर्स्ट क्लास, आप दोनों चाय पियो। मेहता साहब जेठा भाई हमारा घर यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ही है, आइए ना, मैं मस्त मसालेदार गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ और नाश्ता भी खाएंगे। आइए आइए। दोस्तों देखा आपने, नहीं मिल रही थी तो हमें एक बूंद चाय पीने को नहीं मिल रही थी, और अब चाय के निमंत्रणों की बरसात होने लगी। इसे कहते हैं ईश्वर जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। एक कहावत सुनी होगी आपने, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन यहाँ है चाय चाय पे लिखा है पीने वाले का नाम। लेकिन हम जो पीने वाले थे, हमारा नाम जो है वो गोकुल धाम की चाय पे नहीं लिखा हुआ था, और नहीं लिखा हुआ था नुक्कड़ पे टपरी वाली चाय पे, हमारा तो नाम लिखा हुआ था पुलिस स्टेशन की चाय पे। किस्मत ऐसे ही खेल खेलती है साहब, ऐसी ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां आप सपने में भी नहीं सोच सकते। यही होता है जिंदगी में, जब किसी चीज की उम्मीद नहीं होती हमें बेशुमार मिलती है, और जिस चीज की हम बेशुमार उम्मीद करते हैं वो नहीं मिलती। किसी भी चीज का व्यसन और उसे पाने की जिद गलत बात है, उम्मीद रखनी चाहिए लेकिन इस तरह से नहीं। वैसे जिंदगी में उम्मीदें पूरी होती नहीं, लेकिन आपकी उम्मीदें तो पूरी होती है क्योंकि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। आप करते हैं हंसी की उम्मीद और आपको मिलती है बेशुमार हंसी। जब अगला एपिसोड आप देखेंगे, आप इसी उम्मीद के साथ देखेंगे कि आप लगाएंगे ठहाके, और आप निश्चित तौर पर लगाएंगे ठहाके जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.